हम पावर बीआई पे डेटा कनेक्टिविटी पढ़ रहे हैं, राइट सर? तो गोस्वामी जी, मैंने आपको डेटा कनेक्टिविटी में क्या क्या पढ़ाया था? हमने बताया था आपको कि एक्सेल से डेटा कैसे लेंगे, राइट सर? हेलो, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो एक्सेल से डेटा लाना तो आपको आ ही गया था। सर मैं दोबारा बता देता हूँ सब चीज़, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर, यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरीज है फाइल। अगर आपके पास एक्सेल फाइल पे या सीएसवी फाइल पे डेटा पड़ा है तो कैसे लाएंगे? तो एक्सेल डेटा तो कई सारे ला के दिखाया है, अब मैं बात कर रहा हूँ सीएसवी फाइल। अगर आपका फाइल नोट पैड में है तो कैसे लाएंगे? लेकिन ध्यान रखिए, नोट पैड में आपकी फाइल है या सीएसवी में है, तो दो तरह के फाइल होते हैं। जी सर, दो तरह के। अगर हम डेटा जाते हैं डेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सीएसपी डेटा है, एक आपका यहाँ पे डेटा है। अगर इस डेटा को ओपन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम जो है, यहाँ पे एक कॉलम दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप है वो क्या है, टैब का है। और दूसरा रिपोर्ट अगर हम सीएसपी को लेते हैं तो ये देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप कॉमा का है। तो जब आप फ्रॉम फाइल इसमें सीएसपी सेलेक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब आप इसको कनेक्ट करें, जैसे मैंने सीएसपी डेटा कनेक्ट किया, ओपन किया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो पावर बीआई है उसको कॉमा सेपरेट कर देता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि नेम, रोल नंबर, सीपी, अमाउंट के जरिए इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट के लिए कॉमा इसने डिडक्ट कर लिया। अगर आपको लगता है कि गलत किया है तो यू कैन चेंज ईयर, आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। देन लोड करेंगे, लोड करने के बाद यहाँ डेटा आपके सीट पे आ जाएगी। ये डेटा आपके आ गया, छोटा डेटा था क्योंकि मैं बता रहा था वो कैसे आता है। अगर डेटा, अगर अब मान लीजिए कि आपका डेटा सीएसपी में तो है लेकिन कॉमा सेपरेटेड नहीं है, टैब सेपरेटेड है, तो टैब सेपरेटेड डेटा को कैसे आप कनेक्ट करेंगे? मैंने इसको क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। और फिर इसको अगर मैं यहाँ से लोड करता हूँ तो आप देखिए टैब सेपरेटेड आ गया, तो टैब को इसने रीड करके अलग अलग कॉलम में कर दिया। ये हमारा टैब सेपरेटेड आ गया है कि अलग अलग टैब पे अलग अलग डेटा आ गया। तो ये हमारी डेटा कनेक्टिविटी है टोटल टेक्स्ट एंड सीएसवी से। उसके बाद आपके पास एक्सएमएल की फाइल है, जेसन की फाइल है, तो कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में फिलहाल ये दोनों फाइल नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब बात करता हूँ फोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि मेरे पास एक एफ ड्राइव के 22 नंबर ई ड्राइव के अंदर 21 फोल्डर के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 से 6 फाइल है और फाइलों के अंदर डेटा जो है सेम टाइप का है, डेटा हमारा सेम टाइप का है बट डेटा डिफरेंट है। तो क्या करें इसके लिए? तो हम चाहते हैं कि सारा फाइल इकट्ठा एक सेल, एक ही सीट में आ जाए, एक ही टेबल पे आ जाए, एक के नीचे तो कंपाइल करके जो होता है ना उस तरह से, तो ऐसे भी की जा सकती है। तो इसके लिए आपको फ्रॉम फाइलर में फोल्डर लेना होगा और फोल्डर पे आप कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद ब्राउज जाइए, ब्राउज पे जाने के बाद आप जो है अपने लोकेशंस पे जा सकते हैं कि दिस पीसी ई ड्राइव 2021 इसके अंदर डेटा एंड ओके देन ओके।
यहाँ देखिए सारे फाइलों का लिस्ट आ गया। अब मैं यहीं पे अगर लोड कर देता हूँ तो जो डेटा दिख रहा है ना फाइल डिटेल्स वही दिखेगा, लेकिन मुझे कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन करना है। तो कंबाइन पे क्लिक करूँगा, कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि एक अलग यहाँ पे सारे फाइलों का लिस्ट आपको दिख गया। कोई एक फाइल को सिलेक्ट कर ले, उसकी सीट को सिलेक्ट कर ले। अभी सीट के जो हेडिंग्स हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे फाइलों जो ऊपर आपको दिख रहा जो फोल्डर में था, सात सात फाइलें, सातों फाइलों का डेटा एक के नीचे डाल देगा। यहाँ स्किप भी एरर में कर देंगे तो किसी फाइल में एरर होगा उसको स्किप कर देगा, देन ओके कर दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि किसी फाइल में एरर हुआ तो कौन से फाइल कनेक्ट किया है, कौन से कनेक्ट नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? जी हाँ, पता चलेगा जब आप डेटा में जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा टू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए फाइल का सोर्स नेम आपको दिख रहा है, फाइल का सोर्स नेम। ओके, इस तरह से आप एक पर्टिकुलर फाइल से डेटा को ले सकते हैं। अब फाइल के बाद आता है नेक्स्ट, जो आता है फोल्डर के बाद वो आता है हमारा कनेक्टिविटी फ्रॉम पीडीएफ। जी हाँ, पीडीएफ। तो यहाँ से पीडीएफ कर सकते हैं या फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ भी आपको पीडीएफ दिखेगा। बट पीडीएफ से कनेक्ट करने से पहले एक बार पीडीएफ को ज़रूर देख लें, क्योंकि पीडीएफ से कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे पैथन में आता हूँ, ये रहा डेटा। अब देखिए मेरे पास दो डेटा फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि एक पेज का डेटा है, डेटा एक टेबल फॉर्मेट में है, टेबल के अंदर हेडिंग अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पावर बीआई में इसको लेके आता हूँ, पीडीएफ कनेक्ट, और फिर हम अपने डेटा में आते हैं और पीडीएफ को या डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड ओपन करते हैं। बट ओपन करते समय इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा था मेरे डेटा में आइकन्स लगे थे। अभी जो डेटा हमने आपको दिखाया उसमें आइकन था, वो आइकन को यहाँ इमेज करके यहाँ पर कॉलम 14 कर दिया, क्योंकि आइकन को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आइकन लेके कोई भी ग्राफिक्स को लेके नहीं आ पाएगा। अब एक कॉलन 4 आ गया, बट यहाँ तो 5 होना चाहिए था ना। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म करते ही हमें पावर क्यूरी खुल के चला आता है। अब इस पावर क्यूरी के अंदर में मुझे इस इमेज को डिलीट करना है, तो राइट क्लिक रिमूव कर देते हैं जस्ट, और जो कॉलन दिख रहा है ना कॉलन 4 की जगह पर मैं मैनुअली 5 लिख देता हूँ एंड क्लोज एंड अप्लाई। आपका पीडीएफ से डेटा आ गया, लेकिन पीडीएफ कभी भी ध्यान रखिएगा स्कैन नहीं होना चाहिए। अगर इससे प्रिंट आउट निकाल कर फिर उसका स्कैन कर लिया तो उस केस में आपका पीडीएफ का डेटा नहीं आएगा पावर बीआई पे, राइट सर? लेकिन पीडीएफ मेरे पास मल्टी पेज का एक और पीडीएफ है जिसमें मेरा मल्टी पेज है, कई सारे पेजेस है। इसमें दो नियम लागू होता है, टीपी आपका डेटा एक पीडीएफ में जो डेटा है और डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, सेलेक्ट स्कैन नहीं होना चाहिए। दूसरा हेडिंग, हेडिंग होना चाहिए वो भी हर पेज पे। अगर हर पेज पे हेडिंग नहीं है तो क्या होगा कि इसको कंपाइल ही नहीं कर पाएगा, आपको अलग अलग डेटा टेबल दे देगा, मतलब एक के नीचे कंपाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके अंदर हेडिंग, हर पेज पे हेडिंग होना जरूरी है। तो मैं यहाँ गेट फाइल पे गया, यहाँ पे मोर पे गया, और यहाँ फाइल में गया। फाइल के अंदर हम बात करते हैं पीडीएफ, और यहाँ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं अपना
डेटा डाल के जस्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो चीज देखिए, एक तो यहाँ अलग अलग आपको दे रहा है, दे रहा है सर अलग 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 टेबल में डेटा दे रहा है। गोस्वामी जी समझ में आ रहा है आपको? एक जो यहाँ पे दिख रहा है टेबल वन वन टू थ्री, इसने क्या किया इस हेडिंग के अकॉर्डिंग सारे डेटा को एक के नीचे कंपाइल कर दिया तीनों पेजेस को। तो आपको कोई पर्टिकुलर पेज को ऐड करना है वो कर दीजिए, तीनों को कंबाइन करना है तो इसको सेलेक्ट करके जस्ट लोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। तो हमने सीएसबी से, हमने नोटपैड से, हमने एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखे हुए सारे फाइलों से और हमने आपके साथ पीडीएफ से डेटा को लोड कर लिया। अब इसे ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका फोल्डर में एक्सेल की फाइल हो, जितने भी जिस तरह के भी फाइल होंगे सबको कुलेट कर देता है, बट डेटा प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए तभी कर पाएगा। और रिपोर्ट बनाते समय इन सबों डेटों का यूज आप कर सकते हैं, जो मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि सारे डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा है तो अगर आप रिलेट करते हैं तो फिर स्लाइसर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्लाइसर वर्क करता है रिलेशनशिप पे, राइट सर? फिल्टर स्लाइसर वर्क नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ना कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया और चार्ट में मैंने डेटा टू से मान लीजिए नेम वाइज और यहाँ पे मैंने अप्रैल का टोटल उठा लिया तो यहाँ पे आ गया। फिर मैं सेम इसी तरह का डेटा हमारा यहाँ पे टेबल टू में है तो मैंने मान लीजिए कि इसको लिया और यहाँ भी नेम वाइज और इसके भी हमने अप्रैल का डेटा उठा लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक और रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये है हमारा, तो इसमें भी हमने क्या किया, ये आपका डॉट चार्ट लिया, सॉरी ये तो कंट्रोल जेड करता हूँ, क्लिक करके ये वाली चार्ट लेता हूँ और इस चार्ट को मैं यहाँ रखता हूँ और रखने के ऊपर फिर मैं इसको नेम और मान लीजिए अप्रैल का टोटल मैं यहाँ दे देता हूँ। उसके अलावा आप जो है डेटा टेबल रखना चाहते हैं तो डेटा टेबल में सी एस पी फॉर्मेट का डेटा टेबल रख देता हूँ कि भाई नेम और सिटी अमाउंट, सॉरी नेम नहीं रख पाए ना, और सिटी इस तरह से कर लिया। तो कई सारे शीट से हमने ले अपना रिपोर्ट बनाया, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बाकी कोई डेटा में कोई फर्क नहीं हुआ, नहीं हुआ फर्क, क्योंकि दोनों डेटा आपस में रिलेट ही नहीं है, अलग अलग डेटा टाइप है दोनों रिलेट ही नहीं है। अगर रिलेट होगा देन वी कैन चेंज हियर, समझ गए गोस्वामी जी? कोई डाउट इसमें सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है हजरत सर, आ रही है आवाज। ऐसा लग रहा है बहुत दूर बैठे हैं आप। तो आज मैंने फाइल वाले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, आप इसकी आज प्रैक्टिस कर ले, अगली क्लास में हम आपको डेटाबेस